वेलकम बैक LHTV इंडिया की एक नई वीडियो में मौसम को लेकर अभी अभी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही है। मौसम अपडेट, उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश से कम होगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने जारी किया एक बड़ा अपडेट, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और किन किन जिलों में बारिश से कम होगा गर्मी का सितम। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने अब राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार यूपी में आज कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी कहर ढा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग तापमान के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जल्द इससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आपको बता दें अगले 24 घंटे के बीच कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान आने की संभावना है। उत्तर पश्चिम के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार ऐसी ही बारिश होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड के अगर मौसम की अगर बात करें तो आंचलिक मौसम विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज आंधी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड में अगले 24 घंटे लगातार बारिश और बर्फबारी और आंधी तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान उत्तराखंड में आसमानी बिजली कड़कने को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी अगले 24 से 36 घंटे लगातार बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा में भी अगले 24 से 36 घंटे लगातार, वहीं पूर्वी राजस्थान में भी लगातार बारिश के साथ ओले गिरने को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसी बीच अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार श्रावस्ती, बैराज, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर बात करें किन किन जिलों में ज्यादा खराब रहेगा मौसम, मौसम विभाग के अनुसार आज श्रावस्ती, संत कबीरनगर, वाराणसी, सोनभद्र, आगरा, औरैया, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, आजमगढ़, बैराज, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मिर्जापुर और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर येलो, कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो के अंत में आपको बता दें जिले के उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी कहर ढा रही है। कुछ हिस्सों में बारिश के बाद मौसम का रुख भी बदला है। IMD ने आज उत्तर प्रदेश समेत बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लगातार झमाझम बारिश होने के आसार मौसम विभाग जता रहा है। दिल्ली NCR में बीते दिनों आंधी और बारिश से तापमान में हल्की गिरावट आई, मगर इस पर ब्रेक लग सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम आपको बताने खराब रहने की संभावना है। लगातार आसमान में काले घने बादल छाए रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।